ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये जीवन व्यर्थ संकल्पों में न बीते, समय बहुत मूल्यवान है, ये समय ऐसे ही न निकले। बाबा ने समय की बहुत कीमत गिनाई है हम सबको। तुम्हारा एक एक मिनट एक एक वर्ष के समान है, सुना है ना? जिन्होंने नहीं सुना वो सुन ले। बहुत कीमती समय जिसमें हर पल हम अपना भाग्य बना रहे हैं। आज की मुरली सुनी है? किस किस ने सुनी है? क्योंकि आपको यहाँ आना था तो सबने नहीं सुनी है। थोड़े से बता देता हूँ। पूज्य और राज्य अधिकारी, बहुत बड़ा भाग्य मिल रहा है। और एक राज बताया बाबा ने, जो जितना राज्य अधिकारी बनता है उतना ही पूज्य बन जाता है। अष्टरतन सबसे बड़े इष्ट बनते हैं, जिसमें पहला नंबर ब्रह्मा बाबा जो श्री कृष्ण, उनकी पूजा का वर्णन किया बाबा ने। बच्चे के रूप में, युवका के रूप में, गोप गोपियों के साथ, लक्ष्मी नारायण के, राधे कृष्ण के रूप में कितनी पूजा है, हर कर्म की पूजा। क्योंकि हर कर्म योग युक्त होकर किया है तो हर कर्म की पूजा हो गई। उसी में बाबा ने कही, सभी खजानों से स्वयं को भरपूर करना है। चार खजाने गिनाए, ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का और समय का। समय भी खजाना है ना। बच्चे का एग्जाम चल रहा है, 3 घंटे का समय है, 3 घंटे उसके लिए कितने मूल्यवान होते हैं, होते हैं या नहीं? सोचते हैं और 1 घंटा मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता। कितना जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हमारा समय बहुत मूल्यवान है। एक एक क्षण प्रभु मिलन का सुख लिया जा सकता है। तो सभी अपने जीवन को, जीवन में समय को और संकल्पों की वैल्यू को समझें। साधारण न बिता रहे हो, बातों में न बीत रहा हो समय, उलझनों में न बीत रहे हो ये सुंदर क्षण, चिंताओं और परेशानियों में न गुजर रहा हो ये अनमोल जीवन। सोचो सभी,